क्या चल रहा है इसमें महेश वाला AKA थगेश। थगेश भाई आज आप बैठ के वीडियो क्यों बना रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आता। चुप, मैं बैठ नहीं सकता कि आदमी बूढ़ा हो रहा है यार, घुटनों पे बहुत प्रेशर आ रहा है, अब नहीं होता हमसे ये सब। तो अब क्या चल रहा है, तुम लोगों को तो टाइटल देख के मालूम ही होगा, आपके और हमारे फेवरेट मिस्टर फैजू का एक वेब सीरीज आया है अल्ट बालाजी पे। अल्ट बालाजी और मिस्टर फैजू दोनों साथ में है। हमेशा की तरह मेरे को लोगों ने मैसेज किया, थगेश भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों बना रहे हैं लोग। थगेश भाई फैजू का वेब सीरीज आया है, रोस्ट करो। आई डोंट नो व्हाई, बट टिकटॉकर से रिलेटेड जब भी कुछ ड्रामा होता है पहले मेरे को आगे कर दिया जाता है, थगेश भाई देखो भाई क्या हो रहा है। अरे भाई मैंने क्या ठेका लेके रखा है। ऑनेस्टली एवरीवन थिंक्स थगेश इज सम काइंड ऑफ रेबेल जो टिकटॉकर्स का खात्मा करके छोड़ेगा। एंड आई विल बी एन ऑनेस्ट रिव्यूअर, ओके। मेरे मन में कोई किसी के लिए हेट नहीं है, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं बोलूंगा अच्छा है, अगर मेरे को नहीं लगा अच्छा तो मैं बोलूंगा नहीं अच्छा। मैं तरुण आदर्श थोड़ी हूं जो कूली नंबर 1 को 3.5 स्टार्स देगा। मतलब क्या मूवी था, ऑनेस्टली आई थॉट अबाउट रोस्टिंग दैट मूवी, इसलिए मैंने मूवी देखना स्टार्ट किया, लेकिन मैं देख नहीं पाया। पहले सीन में रेलवे स्टेशन पे आदमी केला बेच रहा है, फुल ठेला रेकड़ी लगा के केला बेच रहा है। डेविड काका काय करता है तुम, ये तुम नमाइत ना है तो राहू देना है ना भाई। जेफ बेसोस को पीछे करके इलॉन मस्क अर्थ का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया, जिसको अर्थ पे रहना भी नहीं है। आई नो द रीजन फॉर इट। कुछ दिन पहले अमेजोन पे कूली नंबर 1 रिलीज हुआ था, उधर से ही जेफ बेसोस का डाउनफॉल चालू। एनीवेज तो हम लोग देखते हैं ट्रेलर। ओ, इसका टीजर भी है। पंचलाइन बिफोर पंचेस, हां मैं गन और दिल सर्वत पढ़ने पे इस्तेमाल करता हूं। What? मैं गन और दिल जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, फैजू भाई क्या है, जरूरत पड़ने पे ही दिल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी टाइम बंद रहता है। हम लोग में थोड़ा अलग है क्या, हम लोग का मतलब ध्यान रखना पड़ता है दिल बंद भी ना हो जाए, हमारे में क्या मर भी जाता है आदमी यूज नहीं किया तो। इनका अच्छा है, एक तो यार फैजू भाई से हाइट ज्यादा लग रही है लड़की की। इट्स ओके, आई मीन कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आई मीन कास्टिंग डायरेक्टर। आई वंडर कभी रियल में फाइट हुआ तो कोई इतना स्टाइल में गोली मारेगा क्या जितना ये लड़की मार रही है। जी ऐसे 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 हाथ रख के, वो पुरानी फिल्मों में होता है ना, मैं तो दो चार गोली घुस के निकल जाएगी बाहर। ओह भाई यार, आई डोंट नो, मैं ना रियल लाइफ इमेजिन करता हूँ हमेशा, रियल लाइफ में कभी ऐसा लफड़ा हो गया और फाइट करते टाइम अगर ऐसा स्टंट मारा, और अगर मैं गुंडा होता मैं तो बोलता भाई हाँ ये कर लो पहले। अरे हम तो ट्रेलर देखने वाले थे। ए नहीं माने, 87K डिसलाइक, 51K लाइक। टीजर ही था, ट्रेलर किधर है? रॉकी का प्राइस। रघु ऊपर क्या कर रही है तू? बैंड बैंड जैकेट भी नया है, भाई को दर्द भी बहुत होगा। नई जैकेट? हाँ। बैंग 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 व्हाट बैंग बैंग। अच्छा ये हीरो बैंग बैंग बोल के मारता है, नाइस नाइस, रियल लाइफ में ये अप्लाई करना चाहिए। शाने ज्यादा हीरो बनता है, लफड़ा करने का तेरे को। हाँ क्या क्या हाँ लड़ेगा ना क्या? बैंग बैंग। बैंग बैंग। तू जीत गया। बैंग बैंग। यो वन थिंग आई हैव टू अग्री, भाई ने बॉडी बहुत जबरदस्त बनाई है, ओके। बॉडी के क्षेत्र में फुल 10 out of 10। दबेगा सस्पेंस का ट्रिगर, ओके। मैंने एक मिनट। ये चल क्या है इधर से। इधर से कट्टू डायरेक्ट खाली इसको बोला होगा भाई ऐसे जाके साइकिल मार दे फटाक से। ओह गॉड, ये देखो देखो गाड़ी। अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमसे एक कदम आगे चल रहा है। एक कदम आगे तो चल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि ये हमसे एक कदम आगे चल रहा है। बबलो इसका स्लो मोशन किया जाए।
अरे यार फैजू भाई ऐसा क्यों करते हो? आई सी व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, बट ये हम पे नहीं सूट करता फैजू भाई, ये आप और हम पे नहीं, ये सिर्फ अक्षय कुमार पे सूट करता है। यो नहीं, मेरा ये डाउट है, आई डोंट नो क्या ये कंफर्टेबल लड़कियां अगर कभी साइकिल पे बैठी हो किसी लड़के के साथ, ये कंफर्टेबल है क्या? ये ऐसे बैठना कंफर्टेबल है? मेरे को बताओ। आई ऑलवेज वंडर ये कैसे कंफर्ट, कैसे वो रॉड लगता नहीं है क्या पैर में? लड़का तो मस्त सीट पे बैठा है, वहां पे देखो उधर लाल लाल हो गया रहेगा थाइस पूरा। ठीक है यार, मेरे को निट पिकिंग नहीं करना यार, टेक्निक नहीं। भाई का पंच देगा मतलब थोड़ा स्टाइल हो, ऐसे करके कुछ या ऐसे करके कुछ या ये क्या है? सनी देवल है क्या? एक मिनट, ये क्या 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 ये क्या है? ये क्या है? ये किससे एडिट किया है? ये मोबाइल से एडिट किया है क्या? सुरसुरी ये इधर देखो, ये आग किधर से निकल रही है? गन के ऊपर से आ रहा है क्या? मतलब ये क्या है? ये क्या सुरसुरी निकल रहा है इधर से? स्लोमो ये रघु का कुछ पता चला? फैजू भैया फुल ईस्टर है एग्जाम, टिकटॉक विकटॉक बना रहे हो वीडियो में रेफरेंस। हम इसको भी स्लोमो करेंगे। दिस इज मी व्हेन आई सी टिकटॉकर्स। 180 रुपीज सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। IMDb be like finally got a movie to whom we can give 0 rating. I can design better poster than this. Mr. Faizu deserves Oscar for overacting. I don't think उसने overacting किया, उसने underacting किया है इसमें। Mr. Faizu हम Bollywood को भी TikTok बनाएंगे। I'll give my honest opinion on this. Okay, I'll be dead honest. It's decent. अरे यार, अरे it's honestly decent. Trailer is bad, मैंने माना, okay? There were a few mistakes here and there, जो कि मैंने nitpicking करके निकाले, but इससे कई ज़्यादा खराब trailers हम Bollywood में देखते हैं, okay? तो you have to agree on this. And I think Faizu ने भी इसमें decent काम किया. Trailer bad था, okay? Trailer खराब. See, honestly na, sometimes I feel bad for these guys. मतलब कुछ critics and लोग इतने harsh हो जाते हैं, it's funny coming from my mouth जिसने 20 videos बना दिए होंगे TikTok पे, but मैंने कभी harsh comments या कभी personal comments नहीं किए किसी पर, but yesterday मैंने देखा कोई Bollywood life करके कुछ Twitter पे page है, bang bang teaser meet भिखारियों का Hrithik Roshan और Katrina Kaif कैफ aka TikTok star Mr. Faizu and Ruhi Singh. एक सेकेंड, Katrina Kaif aka TikTok star Mr. Faizu, did they just call Mr. Faizu Katrina Kaif? anyways, but भिखारियों का Hrithik Roshan is so insulting man. मतलब बहुत ज़्यादा एक लाइन होती है, वो लाइन क्रॉस कर देता है ये चीज़। यू आर अ बॉलीवुड न्यूज़ चैनल आई थिंक, तुम्हारा काम है न्यूज़ देना और रोस्ट करना नहीं, वो हमारा काम है। बट मैं भी ऐसे भिखारियों का Hrithik Roshan नहीं बोलूँगा भाई, एटलीस्ट डिसेंट दिखता है बंदा, बंदे ने फिजिक पे काम किया है, एंड आई फील इज बेटर देन अर्जुन कपूर, ओके? अर्जुन कपूर घर पे आके मारेगा, बट या सी पीपल आर पॉइंटिंग इट आउट इन द कमेंट्स, देयर इज अ सर्टेन डिग्निटी वन हैज टू मेंटेन इन जर्नलिज्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के ट्रेलर तो बुरा था ही, लेकिन जस्ट थोड़ा पर्सनल नहीं जाओ तो बेटर रहेगा आई फील। एंड आई ऑल्सो समटाइम्स फील के जो इनको वेब सीरीज मूवी मिली है, एंड शायद इतना हेट एंड डिसलाइक्स देखकर फ्यूचर में कोई प्रोड्यूसर इनको
काम ना दे, वो भी सोच के ऐसा लगता है कि क्यों किसी के पेट पर लात मारनी है। ओके व्हाटएवर ही हैज अचीव्ड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। ओके कोई ऐसा मेरे मन में नहीं है कि भाई ये बंदा गिर जाना चाहिए। कोई मैं ये नहीं सोचता हूँ रात को सोते थे कि साला फैजू ना रोड पे आ जाना चाहिए। नहीं, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि उसने जो भी है टिकटॉक के जरिए ही इज गेटिंग अ वेब सीरीज। ऑनेस्टली जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मॉडलिंग एक्टिंग में, अगर मुझे ऐसी कोई वेब सीरीज ऑफर होती तो मैं तो आंख बंद करके हाँ बोल देता, भाई आर्ट बालाजी की है, वाई वुड आई नॉट डू इट। अभी कमेंट में लिखना भाई, थकेश भाई ने टीम 07 ज्वाइन कर लिया। नहीं भाई, करेंगे रोस्ट तो हम करेंगे फैजू को, जिंदगी भर रोस्ट करेंगे। फटिया एक एक लाइन होती है, लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती का अभी आपने ओपिनियन मांगा, मैंने मेरा ओपिनियन दिया, आई होप यू गाइस रिस्पेक्ट माय ओपिनियन। एंड मेरे को पता है मेरी थक सेना में से कोई जाके गाली गलौज नहीं करता, नहीं करता है ना, मम्मी को बता देगा तुम। एनीवेज आपल्याला काय, आपल्याला फक्त सब्सक्राइबर्स पाहिजे। सो गाइस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड 30 मिनट गैंग, सो या दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।